धार में भी विधानसभा चुनाव के चलते टिकट वितरण को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियों में बगावत लगातार सामने आ रही है। धार में अब कांग्रेस में बगावत के सुर फूट पड़े हैं। पार्टी ने धार विधानसभा सीट से प्रभा देवी सिंह गौतम पर विश्वास जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस के सेवा दल के अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हितेश ठाकुर ने पार्टी के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और उन्होंने धार विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बदलने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए धार से जिस प्रभा सिंह गौतम को उम्मीदवार बनाया है उसके प्रति हमने अपना विरोध माननीय राहुल गांधी जी के वहाँ दर्ज कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि वो कांग्रेस के सक्रिय व्यक्ति को टिकट दें, न कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जिसने कांग्रेस में कभी इसका कोई योगदान नहीं रहा हो। मैं टिकट बदलने की मांग कर रहा हूँ। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग ये चाहते हैं कि टिकट बदल कर कांग्रेस के सक्रिय व्यक्ति को दिया जाए। वहीं बाल मुकुंद सिंह गौतम ने कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद है। दोपहर न्यूज के लिए धार से मोहिनी वर्मा की रिपोर्ट। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो कमलनाथ जी से बात करे, राहुल जी से बात करे, चर्चा करे उनसे कि वो बहन को टिकट क्यों नहीं दिया। टिकट के दावेदार थे वो, और मैंने खुद ने उनसे भी कहा था कि ठाकुर साहब टिकट मांगने का अधिकार सबका है, सब पूरी पूरी ताकत झोंक दो अपनी। दिल्ली में भी रहे वो, बहुत कोशिश की उन्होंने। अब टिकट जिसको मिलना था मिल गया, जिसकी लड़ाई इतनी जल्दी लड़ ली, अब हमको एक होकर काम करना चाहिए।